म्हणून अर्ध्या दिल्लीवरती बुलडोझर फिरवून हा प्रकल्प उभा केला की सध्याच्या दिल्लीतल्या अनेक इमारतीवरती उद्घाटक म्हणून पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी यांच्या नावाच्या पाट्या, फक्त त्या नावाच्या पाट्या उखडून इनॉग्रेटेड बाय नरेंद्र मोदीजी म्हणून हे जर काम केलं असेल तर मला असं वाटतं की देशाचा इतिहास असात असलेली नावं अशा प्रकारे कुठली जाणार नाही। हिंदुस्थानची संसद सध्याची इमारत ही क्रांतिकारक आणि ऐतिहासिक, देशाला स्वातंत्र्याचा मसुदा, घटनेचा मसुदा ह्याच ऐतिहासिक इमारतीतून लिहिला गेला। नवीन सरकार, पहिलं सरकार याच इमारतीत स्थापन झालं। अनेक क्रांतिकारकांच्या, स्वातंत्र्य सैनिकांच्या पदस्पर्शाने ही इमारत पावन झालेली आहे। अनेक ऐतिहासिक घटना या इमारतीमध्ये घडल्या। ही इमारत अजून 100 वर्ष चालली असते, कारण यापेक्षाही ऐतिहासिक जुन्या इमारती जगभरामध्ये पार्लमेंटच्या आहेत आणि त्या उत्तम प्रकारे चाललेल्या आहेत आणि त्या सगळ्यापेक्षा आपली इमारत ही नवी होती। तरीही नवी इमारत त्यांनी बांधली। आता ठीक आहे, तुम्ही बांधलेली आहात, पण देशाच्या राष्ट्रपतींना डावरून त्यासुद्धा एक आदिवासी महिला ज्यांना तुम्ही राष्ट्रपती करताना जगापुढे आणि देशापुढे असं चित्र निर्माण केलं की आम्ही एका आदिवासी महिलेला राष्ट्रपती केलं आणि आम्ही सगळे त्यांना विरोध करतो। राष्ट्रपती म्हणून आदिवासी महिलेला प्रथम बसवणाऱ्या या सरकारनं मग आता इतक्या मोठ्या राष्ट्र पार्लमेंटच्या उद्घाटन सोहळ्यासाठी आदिवासी महिलेला राष्ट्रपती पदावर बसलेल्या द्रौपदी मुर्मू यांना का डावरल्याचं उत्तर द्यावं लागेल। पार्लमेंटचा प्रमुख म्हणजे संसदेच्या प्रमुख या राष्ट्रपती असतात। राष्ट्रपती या देशाच्या घटनात्मक संस्थेच्या प्रमुख आहेत, त्या सर्वोच्च न्यायालयाचा प्रमुख आहे, त्या तिन्ही सेना दलाच्या प्रमुख आहेत, त्या संसदेच्या दोन्ही सभागृहाच्या प्रमुख आहेत। अशा वेळेला अशा प्रमुख सोहळ्यातून राष्ट्रपतींना डावलण्याचं कारण काय? प्रधानमंत्री आणि राष्ट्रपती एकत्र कार्यक्रमाला असू शकतात, त्यात काही अडचण नाही, पण राष्ट्रपतींना पूर्णपणे डावलून, एका आदिवासी राष्ट्रपतीला डावलून, मी आदिवासी हा शब्द वारंवार वापरतो कारण त्यांना राष्ट्रपती करताना हमने पहली बार आदिवासी महिला को राष्ट्रपती बनाया वगैरे ते सांगत होते ना, मग पहली बार जब नए संसद भवन का उद्घाटन होत आहे, प्रथम या देशाच्या नव्या संसद भवनाचं उद्घाटन करताना राष्ट्रपती महिलेची आठवण आपल्याला का झाली नाही? आमचा बहिष्कार आहे। आम्ही सर्व विरोधी पक्ष राष्ट्रपती ना डावलल्याबद्दल, एका आदिवासी महिलेला डावलल्याबद्दल, संसद भवनाचा जो उद्घाटन 16-28 तारखेला होतोय त्याच्यावर काँग्रेससह सगळ्या विरोधी पक्षाने असा निर्णय घेतलेला आहे की आम्ही त्या सोहळ्यावरती बहिष्कार टाकू। सर, सरकारकडून म्हणलं जात आहे की याच्या आधी सुद्धा पीएमने काही इमारतीचं उद्घाटन केलं, इमारतीचं उद्घाटन आणि प्रत्यक्ष संसद भवनाचं उद्घाटन यात फरक आहे। ही नवी संसद तुम्ही निर्माण केली, बघा इंदिरा गांधींनी कुठे कुठे पायाभरणी केली, मग ती पार्लमेंटचं अनेक्स बिल्डिंग असेल, पार्लमेंटची विस्तारित बिल्डिंग म्हणजे संसद भवन नाही, ते CPWDचं काम असतं। दिल्लीमध्ये आम्ही 22 वर्ष आहोत, आम्हाला माहिती आहे। इंदिरा गांधींच्या हातून किंवा राजीव गांधींच्या हातून काही संसदेच्या एक्सटेंडेड इमारतीचं उद्घाटन झालं, पण हे नवीन संसद भवन, तुम्ही आम्हाला मूर्ख समजू नका, मूर्ख तुम्ही आहात। इतिहासात नाव होण्यासाठी इतिहास बदलतायत काहीही न करता, फक्त जुन्या ऐतिहासिक इमारती पाडून नव्या इमारती उभा करून फक्त त्या इमारतीच्या पायाभरणीला आणि उद्घाटनाला आपल्या नावाच्या पाट्या लावायच्या, याच्या पलीकडे या कार्यक्रमाचं महत्व नाही। बताइए क्या है सर, हिंदी में जानना चाहेंगे आपसे, आपकी पार्टी की क्या भूमिका है नई संसद की इमारत पर? बात ऐसी है कि सबसे पहला ये सवाल हमने भी उठाया था सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में, कि
देश की आर्थिक स्थिति खराब है, फिर भी लाखों करोड़ रुपया, सैकड़ों करोड़ रुपया खर्चा करके जिस तरह से प्रोजेक्ट को सिर्फ प्रधानमंत्री की इच्छा के लिए बनाया, क्या उसकी जरूरत थी? आज जो देश की संसद की इमारत है, पार्लियामेंट हाउस है, वो और 100 साल चल सकती है। इस देश में जो इमारत है उससे भी पुरानी इमारतें इटली में, ब्रिटेन में, फ्रांस में है, वो अब तक चल रही है। तो हमको इतनी क्या जरूरत पड़ी? ये इसलिए पड़ी कि ये संसद भवन ऐतिहासिक है। इस संसद भवन को ना आरएसएस ना बीजेपी का कोई रिश्ता है तो बनाने में, या वहां का जो ऐतिहासिक और क्रांतिकारी काम हुआ है उसमें बीजेपी का और आरएसएस का कोई काम नहीं। तो एक नया इमारत बना के सिर्फ एक ऐसा हम कोनशिला लगाएंगे इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इसके लिए खर्चा हुआ है, लेकिन वो भी ठीक है, लेकिन देश के राष्ट्रपति इस राष्ट्र के संविधान की प्रमुख है। देश की हमारी राष्ट्रपति जो एक आदिवासी महिला है वो पार्लियामेंट की कस्टोडियन है। आप उनको नहीं बुला रहे, उनको निमंत्रित नहीं कर रहे, उनके हाथों से नए संसद भवन का उद्घाटन करना ये प्रोटोकॉल है, लेकिन आप नहीं कर रहे हो, आप उसका एक पॉलिटिकल इवेंट कर रहे हो, प्रधानमंत्री के हाथों से उद्घाटन कर रहे हो। इसलिए इस देश के सभी अपोजिशन पार्टी ने निर्णय लिया है कि हम उस कार्यक्रम के ऊपर बहिष्कार करेंगे और उस बहिष्कार में शिवसेना भी शामिल। सर, सरकार की तरफ से दलील दी जा रही है कि पहले राजीव जी ने, इंदिरा जी ने भी उद्घाटन किया। देखिए, राजीव जी और इंदिरा जी ने संसद भवन के परिसर में कुछ इमारतों का उद्घाटन किया है, संसद भवन का नहीं। जो एक्सटेंशन है पार्लियामेंट का, जहां हमारे कुछ कार्यालय है सरकार के, उसका उद्घाटन किया। मेन पार्लियामेंट बिल्डिंग का राष्ट्रपति ही उद्घाटन किया। अभी दो राष्ट्रपति जो बीजेपी ने बनाए हैं वो तो रबर स्टैम्प भी थे, ऐसे लोग बोलते हैं। कोविंद जी को कहाँ अधिकार मिला था उनका, और द्रौपदी जी को, मुर्मू जी को आदिवासी महिला, आदिवासी महिला, आदिवासी महिला बनाकर बना दिया, लेकिन उनको राष्ट्रपति भवन से बाहर तक आने नहीं दिया जाता है। जो देश का सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो रहा है, राष्ट्रपति भवन के सामने पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन हो रहा है, उनके लिए उनको निमंत्रित नहीं किया जा रहा है, तो देश में कौन सा लोकतंत्र है, कौन सा संविधान चल रहा है, और किसका प्राइवेट संविधान चल रहा है? क्या राष्ट्रपति को नहीं बुला रहा है क्या पूरे आदिवासी समाज का अपमान? आदिवासी समाज का नहीं, देश का अपमान। आदिवासी समाज का तो अपमान है, दलितों का, शोषितों का, आदिवासी समाज का तो अपमान है, लेकिन मैं मानता हूं देश के संविधान का भी अपमान है। सर, महाविकास आघाड़ी चर्चा होती राष्ट्रीय वर्ष की जेल पट्टी या अन्य देशों में होते भाजपा ने ऑफर दी होती।